तो आगे भैया प्रतीश गंगवार, नीलेश सिंह भौरियाल, अनुपम प्रताप सिंह, दीपांशु पांडे, पीयूष तत्याल, दिव्यांश कुमार, ये सभी भैया अतिथि वृंद के पवित्र कर कमलों से सम्मानित होते हुए हम सभी साक्षी हैं, हम सभी दृष्टा हैं। यह सम्मान, यह पुरस्कार जो प्रेमा जगाती सरस्वती विहार विद्यालय में आयोजित हुआ है, जिसमें देश के प्रतिष्ठित अभ्यागत सम्मानित अतिथि वृंद के द्वारा हमारे छात्र सम्मानित हो रहे हैं, जोरदार तालियों से इस सम्मान समारोह का अभिनंदन कीजिए। अभी सम्मान की श्रृंखला के अगले चरण में मैं प्रेमा जगाती सरस्वती विहार में जगाती परिवार की बहू स्वर्गीय श्री दीपक शाह जी की धर्मपत्नी श्रीमती गीता शाह जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। अभ्यागत अतिथिवृंद से निवेदन है कि आप सब अभी मंच पर ही बने रहेंगे। गीता शाह जी और साथ ही अपने इस विद्यालय में जो विद्यालय के प्रथम दिन से यहाँ पर रहे श्री किशन जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। तो पहले श्रीमती गीता शाह जी, जगाती परिवार का हमारा विद्यालय आजन्म ऋणी है, तो श्रीमती गीता शाह जी अपने मध्य आ रही हैं और उनके साथ ही श्री किशन जी भी आ रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि जी के द्वारा, अभ्यागत अतिथि वृंद के द्वारा, विशिष्ट अतिथि जी के द्वारा श्रीमती गीता शाह जी को सम्मानित किया जा रहा है। तो सम्मान की इस अद्भुत श्रृंखला का यही माननीय मुख्य अतिथि जी, मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, विशिष्ट अतिथि जी, विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी, विद्यालय के प्रबंधक जी और विद्या भारती के क्षेत्र संगठन मंत्री श्रीमान डोमेश्वर साहू जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी के द्वारा जहां गीता शाह जी सम्मानित हुई, वहीं विद्यालय में प्रथम दिन से कार्य करने वाले श्री किशन जी का भी सम्मान हुआ। मैं अभ्यागत अतिथिवृंद, माननीय मुख्य अतिथि जी, माननीय विशिष्ट अतिथि जी, प्रबंधक जी, प्राचार्य जी और अन्य अनेक अतिथिवृंद का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने पवित्र कर कमलों से हमारे मैं विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान डोमेश्वर साहू जी से आग्रह करता हूँ कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग जगाई है, हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें श्रीमान डोमेश्वर साहू जी। आज के इस समारोह में उपस्थित इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल रहे ऐसे हमारे भगतदा जी, यहाँ के सांसद एवं राज्य मंत्री, विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रबंध समिति के समस्त पदाधिकारी, संघ के विचार परिवार से आए हुए कार्यकर्ता बंधुओं, विभिन्न राज्यों से आए हुए अभिभावक बंधुओं बहनों, आमंत्रण पर आए हुए अनेक शिक्षा प्रेमी बंधुओं बहनों एवं इस विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों,
प्रारंभ में जब भगत दा ने विषय रखा था, उन्होंने एक उल्लेख किया था 1952 में सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर से प्रारंभ हुआ। आज पूरे देश भर में उस एक विद्यालय के माध्यम से और पूरे देश भर में 12,093 विद्यालय संचालित है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, नगरी क्षेत्रों में हैं, सुदूर वनवासी क्षेत्रों में हैं, अनेक सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं और इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 32 लाख है। एक प्रकार से गौरव की भी अनुभूति होती है कि ये देश का सबसे बड़ा गैर शासकीय शैक्षिक संस्थान है जो समाज के सहयोग से चलता है। इसमें अध्यापन कराने वाले हमारे आचार्यों की संख्या 1,42,000 है। हमारे देश में विभिन्नता है, विविधता है अनेक प्रकार की। इसके कारण से बहुत सारे संवेदनशील क्षेत्र हैं, बहुत अभावग्रस्त क्षेत्र हैं, उन लोगों को अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसे स्थानों पर भी विद्या भारती ने निःशुल्क शिक्षा, इसके लिए एकल विद्यालय और संस्कार केंद्र, ये दोनों की व्यवस्था की है। अनेक हमारे वनवासी क्षेत्र है अथवा हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य है, इन स्थानों पर वहाँ के लोगों के अंदर भी राष्ट्रीय भाव जागृत हो, इसलिए विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से, छात्रावास के माध्यम से, एकल विद्यालय के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयत्न होता है। अपने विद्यालय में जिस प्रकार से शिशु मंदिर की शुरुआत हुई थी, आज शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज और महाविद्यालय भी चल रहे हैं। देश में इस समय विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान इस नाम से एक पंजीयन हुआ है। इसके संपर्क में भी